आज की मेरी रेसिपी है शाही पिनव्हील्स। ये खाने में बहुत ही डिफरेंट और टेस्टी लगते हैं, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पिनव्हील्स बनाने के लिए सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे डो, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक बोल में 2 कप मैदा ली है। मैदा हम पहले छान लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून अजवाइन। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 4 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और ऑयल को भी मैदे में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो प्रिपेयर करेंगे। डो हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसे कवर करके 20 से 25 मिनट का रेस्ट देंगे। तब तक हम इसकी स्टफिंग रेडी करेंगे। स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल के गर्म होने पर हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून ग्रेटेड लहसुन, 1 टेबलस्पून ग्रेटेड अदरक, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और इसे 1 मिनट के लिए कुक होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और इसे फिर से 1 मिनट कुक होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बारीक कटे हुए अखरोट, 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई किशमिश, 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ काजू और 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ पिस्ता और नमक स्वाद अनुसार। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर से 1 मिनट कुक होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 मीडियम साइज के आलू बॉइल्ड और मैश्ड और सारी ही चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून चाट मसाला, इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप ग्रेटेड पनीर, 1/2 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया और सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग हमारी रेडी है। डो को एक बार फिर से अच्छी तरह से नीट कर लेंगे। डो का एक पोर्शन लेके मीडियम साइज की बॉल बनाएंगे। अब हम इसे रोल करेंगे। इसे हमें ना तो बहुत पतला बेलना है और ना ही बहुत मोटा। इसकी जो थिकनेस है वो इस प्रकार रहेगी। अब हम इसमें जो हमारी स्टफिंग है वो स्प्रेड करेंगे। नीचे का थोड़ा सा कोना कट करेंगे और ऊपर की तरफ थोड़ा सा पानी से गीला करेंगे। अब हम इसे टाइट रोल करेंगे। अब हम इसे क्लीन रैप से रैप करेंगे। हाफ एन आवर के लिए फ्रीजर में रख देंगे। इसे मैंने फ्रीजर से निकाल लिया है। अब हम इसे 1 इंच के गैप से कट करेंगे।
और इसे मीडियम हॉट ऑयल में गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। पिनव्हील्स हमारे तैयार है, इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे।